आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि नाम है डिप्लोमेट्स का। सेक्टर 110 में लॉन्च होने जा रहा है। उसके अंदर 1 BHK 2 BHK के अपार्टमेंट्स आएंगे, जनरल आएंगे, TPC की साइट के ऊपर आएंगे। आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 1 BHK और 2 BHK की। लेकिन एक के बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो आप इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपको जो नॉलेजमेंट स्लिप होती है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है रॉन्ग हुआ है या नहीं हुआ है वो हम चेक करवा सकें। क्योंकि हमने जो MRG 106 में एप्लीकेशन जिन्होंने हमारे पास जो रिसिप्ट सेंड की थी, कई क्लाइंटों के गलत फॉर्म फिल हुए थे, तो ताकि वो चेक हो पाए। अगर आप डायरेक्टली पे करते हैं तो चेक नहीं हो पाएंगे, और ना ही क्योंकि बिल्डर के पास आपका कोई कॉन्टैक्ट, कोई ईमेल आईडी नहीं जाता है, तो इसलिए बिल्डर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही ऑप्शन है कि जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं फॉर्म, तो जो आपकी रिसिप्ट है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम बिल्डर को सबमिट करा सकें, ताकि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे पास हो और बिल्डर बता सके कि इनकी ये प्रॉब्लम है, इस फॉर्म में यहाँ पे मिस्टेक है, तो उसको करेक्शन कराया जा सके और आपको पता चल जाए कि आपका फॉर्म गलत भरा गया है। तो ये ध्यान रहे, अगर आपका मन करता है कि रिसिप्ट नहीं देने का तो मत दो, मुझे कोई इशू नहीं है। बस ये है कि आपका जो फॉर्म है वो गलत नहीं हो, पैसे भी आप दे रहे हो, लेकिन जब ड्रॉ होगा आपका कोई नाम पता कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम पता तो चल जाएगा। आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको सिर्फ रिसिप्ट सेंड करनी है डिप्स क्रिस करने के अंदर जो दिए गई व्हाट्सएप लिंक के ऊपर। आपको अगर ट्रस्ट है हमारे ऊपर कि आप जो रिसिप्ट शेयर कर रहे हो हमारे साथ, तो आपको सर्विस देने के लिए हम ये आपसे रिसिप्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं या आपके साथ जो भी अपडेट्स आगे डिप्लोमेट्स इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग है वो आपको मिलती रहेंगी। तो आइए इसके प्रॉपर एक एक लेआउट के बारे में हम समझते हैं कि क्या क्या लेआउट है इसके बाद, और आपको एक्चुअल लोकेशन आपको मैं डिजिटल तरीके से समझा दूंगा कि कहाँ पे इसकी एक्चुअल लोकेशन है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, इसका पूरा प्रोसेस और इसके प्रॉपर लेआउट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल लेआउट इसका कि इस टाइप से ये सोसाइटी डेवलपमेंट होगी, जिसका नाम है डिप्लोमेट्स गोल्फ ग्रीन करके। गोल्फ लिंक क्यों नाम रखा इसका, क्योंकि इसके अंदर ग्रीनरी एरिया ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि इसमें गोल्फ है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये कुल मिला के 10 टावर हैं, ये इधर कमर्शियल है, इधर कमर्शियल है, 2 कमर्शियल है, ये पूरा ओपन स्पेस है। ये कह रहे हैं कि इधर ये पार्किंग स्पेस देंगे गाड़ियों के लिए, और ये पूरा ग्रीनरी एरिया है, साथ में गोल्फ है। किस टाइप से डिजाइन होगा आपको एक्चुअल पिक भी मैं आपको दिखाऊंगा इस सोसाइटी की। तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ इस तरीके का ये गोल्फ बनाएंगे इसके अंदर, कि ये खुद बोलते हैं कि हम कुछ पहला ऐसा अफोर्डेबल होगा जिसके अंदर हम गोल्फ प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लब सभी देते हैं, स्विमिंग पूल सभी देते हैं, लेकिन गोल्फ किसी के अंदर नहीं है, गोल्फ इसी के अंदर आएगा। और ये प्रोजेक्ट कुल मिला के 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 10 टावर हैं इसमें, 1443 या 1450 स्क्वायर फीट, 1450 लमसम इसके अंदर फ्लैट्स आएंगे। तो एक बार बात कर लेते हैं लोकेशन की, कि लोकेशन इसकी कहाँ पे पड़ती है। ये आपका नेशनल हाईवे है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, और द्वारका एक्सप्रेसवे से ज़्यादा दूर नहीं है, 500-600 मीटर का डिस्टेंस है ये द्वारका एक्सप्रेसवे और ये प्रोजेक्ट है। अगर आप राजीव चौक से जाते हैं तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा दौलताबाद फ्लाईओवर की तरफ से, और दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 6 का जो चक्कर आता है जहाँ पे कॉन्सेंट है, इधर कॉन्सेंट से आपने थोड़ा आगे जाके लेफ्ट लेना है। ये सेक्टर रोड है, अभी नहीं बना इतना खास, लेकिन आगे बनेगा ये। तो बात करते हैं लेआउट की। लेआउट इसके अंदर बहुत सारे हैं, 1 BHK में लमसम 10 के राउंड इसमें लेआउट है, 2 BHK में बहुत सारे हैं, 3 BHK में भी 5 से 6 लेआउट हैं इनके। तो बात कर लेते हैं, तो जो टाइप 1 आता है इसमें 398 स्क्वायर फीट का, 398 मतलब 400 स्क्वायर फीट के लमसम आपका कारपेट एरिया है, 100 स्क्वायर फीट की इसमें बैल्कनी है। टाइप 2 आता है 382 स्क्वायर फीट का, और बैल्कनी आएगी आपकी 100 स्क्वायर फीट की। टाइप 1 है
वो आएगा 398 स्क्वायर फीट का, 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है, Type 3 है, 398 और 100 स्क्वायर फीट की बालकनी। लेआउट मोस्टली सेम है, बस इसमें बालकनी और टेरेसेस का थोड़ा अंतर रहेगा। इसमें टेरेसेस भी आते हैं, देखो काफ़ी बड़े टेरेसेस भी हैं इनके अंदर। फिर ये लेआउट है 398, 100 की बालकनी, 394, 101 की बालकनी, 417, इसकी 417 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। 100 स्क्वायर फीट की इसमें आपकी बालकनी आएगी, 394 की इसके अंदर कारपेट एरिया, 101 स्क्वायर फीट की आपकी बालकनी आएगी। फिर ये 1 BHK का 419 जो बड़ा साइज है, 419 स्क्वायर फीट की, 85 स्क्वायर फीट की आपकी बालकनी, ये 1 BHK का टाइप है। इसमें काफ़ी अच्छी बालकनी इन्होंने दे रखी है, लिविंग रूम के साथ भी है, आपका बेडरूम के साथ भी है, किचन लेआउट बहुत गजब का लेआउट है इनका। और ये बाथरूम है और ये वॉशरूम है आपका, ये लॉबी एरिया आता है आपका। फिर आता है 419 स्क्वायर फीट का, 85 स्क्वायर फीट की आपकी बालकनी, वो साइज ये है। फिर आता है 2 BHK का Type 1, 542 स्क्वायर फीट का कारपेट, 100 स्क्वायर फीट की बालकनी। फिर Type 2 आता है 526 की, 100 स्क्वायर फीट की बालकनी। इनमें टेरेसीज है, बालकनी है, सभी में है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, तो आप वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हैं एक बार। फिर आता है 521 स्क्वायर फीट का ये वाला साइज और 75 स्क्वायर फीट की बालकनी। फिर नंबर 4 टाइप है, वो 512 का, 100 स्क्वायर फीट की बालकनी ये है। फिर 521 का और 96 की आपकी बालकनी आएगी, ये कारपेट एरिया है। फिर आता है Type 5 आता है, जो कि 2 BHK का है, इसमें 533 स्क्वायर फीट की और 111 स्क्वायर फीट की बालकनी है। फिर 2 BHK का है, ये 2 BHK के लाउड लेआउट हैं, आप देख लेना जो आपके पसंद, क्योंकि बहुत सारी सिलेक्शन होगी इसके अंदर, क्योंकि लेआउट ही इतने सारे हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का लिविंग रूम चाहिए, किस टाइप का बेडरूम, बैल्कनी। देखो वो तो आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि आपके क्या, मतलब किस तरीके के आप सोच के आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं। ये सिलेक्शन सब आपने खुद करनी होगी, क्योंकि जब आप TCP की साइट पे जाओगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे लेआउट मिलेंगे, साइज मिलेंगे। आपको पेमेंट अपने हिसाब से करनी है, 5% का बुकिंग अमाउंट है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं है। MQ यूनिट का भी कोई आइडिया नहीं है, कितनी आएंगी, कैसे आएंगी, वो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। 10 सितंबर के बाद ये लॉन्च करने की कह रहे हैं, क्योंकि 10 सितंबर को MRG 106 का ड्रॉ है, तो उसके बाद ये लॉन्च होगा। क्योंकि MRG 106 में बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, 10,000+ एप्लीकेशन सबमिटेड हैं उसके अंदर, और फ्लैट 1350 लमसम है, तो उसमें से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट निकलेंगे। तो उसके बाद ये सोच रहे हैं कि ताकि जिसका वहाँ ना निकले तो यहाँ पे अप्लाई कर सकें, तो ये ऑप्शनल है। अदरवाइज ये अभी कल, मतलब 6 तारीख को लॉन्च होना था, लेकिन इन्होंने डेट आगे डिले कर दी है। और ज़्यादातर क्लाइंट ये सोचते हैं कि रेरा मिल गया, लेकिन आपकी जो पोजीशन डेट है वो लेट होती है, क्योंकि रेरा पहले ही मिल जाता है। तो कई कई जो बिल्डर हैं वो लेट लॉन्च करते हैं, वो डिपेंड करता है बिल्डर के ऊपर कि वो कब लॉन्च कर रहा है। लेकिन रेरा मिलने का मतलब है कि वो जमीन बिल्डर का जो पेमेंट वगैरह है, जो जमीन का एरिया है, उसके लेआउट और वो सारी चीज़ें ओके हैं, रेरा आ चुका है, इसलिए मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूँ। अदरवाइज ये लेआउट आपको नहीं मिलते जब तक रेरा नहीं आता। तो ये 3 BHK के लेआउट हैं, 637 है, 111 की आपकी बालकनी आएगी, 644 है ये इसका 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है, 640 100 स्क्वायर फीट की बालकनी और 644 100 स्क्वायर फीट की बालकनी। लेआउट बहुत अच्छे बनाए हुए हैं इन्होंने, बाकी जितने अफोर्डेबल हैं उनसे अच्छे लेआउट इस प्रॉपर्टी के हैं, क्योंकि बालकनी का जो डिजाइन इन्होंने कर रखा है वो काफ़ी अच्छा डिजाइन है। तो आप 3 BHK ट्राई कर सकते हैं, जनरल बुकिंग में आएगा 3 BHK का। MQ के कितने आएंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब इसका कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर क्लियर करूंगा। ये रेलवे लाइन है, इसके बगल से ये रेलवे लाइन है, और ये 12 मीटर का सर्विस रोड है बिल्कुल साथ से, दिल्ली जाने के लिए, बजगेड़ा जाने के लिए। और ये टावर है, 10 टावर है, तो जो ग्रीनरी एरिया है वो इधर ही आता है। ये कमर्शियल के लेआउट है इधर, ये ग्रीनरी एरिया है इसका। दो हायर एक्सटेंशन वायर है, वो एक किसके बगल से जा रही है, जो एंट्री गेट होगा उनके ऊपर से ये हायर एक्सटेंशन वायर है, और ये सेक्टर रोड है, 24 मीटर रोड है, इसी रोड से आपकी एंट्री होगी प्रोजेक्ट के अंदर।
अब बात करता हूँ आपके जो लेआउट में जो मतलब प्राइसिंग की बात होती है, वो 16 लाख से लेके आपके 26.5 लाख रुपए तक की आपकी इसमें प्रॉपर्टी है। उसमें 1 BHK 16-17 लाख रुपए का, 2 BHK 22 लाख, 21.5 लाख और 3 BHK 26 लाख, 26.5 लाख तक आपके इसमें कॉस्ट आती है। ये साइज बड़ा है, 603 स्क्वायर फीट का, इसमें बालकनी के लिए आता है तो 24-24, तो काफ़ी ऐसे हैं लेआउट जो मतलब प्राइस से ज़्यादा है। अगर आप अपना बजट है देखो, 3 BHK 24 लाख 26 हज़ार रुपये का है, अगर ये 3 BHK का बड़ा साइज लेते तो 26 लाख 32 हज़ार रुपये का। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो आपकी जो स्लिप होती है, रिसिप्ट आती है, वो आप हमें शेयर कीजिए ताकि आगे हम बिल्डर को सबमिट कराएं तो आपके फॉर्म में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आपकी प्रॉब्लम का पता हो उसके और हम आपसे कांटेक्ट करें। अगर आप डायरेक्ट फिल करते हो तो बिल्डर के पास आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, कॉन्टैक्ट डिटेल वो जाती है TCP को, तो TCP कॉन्टैक्ट नहीं करेगा आपको, क्योंकि MRG के अंदर भी काफ़ी लोगों ने हमें जो रिसिप्ट थी सबमिट की थी तो उसके अंदर काफ़ी लोगों की मिस्टेक थी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो बिल्डर ने जो सबमिट हमने करा आपकी रिसिप्ट कराई थी तो बिल्डर को पता था कि क्लाइंट इनके टच में है, तो बिल्डर ने बोला और हमने फिर क्लाइंट को डायरेक्टली उसको बोला कि आपकी दिक्कत यहाँ पे, उनको दोबारा से विड्रॉ कराया अमाउंट और फिर से दोबारा से वो फॉर्म आपका फॉर्म है वो सबमिट कराया गया। तो इसी वजह से हम रिसिप्ट मांगते हैं, अदरवाइज अगर आपका मन नहीं करता है देने का मत दो, कोई सुनी है किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, अपने हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एक्चुअल पिक है सोसाइटी की, ये इस तरह की है, पूरा ग्रीनरी एरिया है, स्विमिंग पूल टाइप इन्होंने बना रखा है, ये पूरा गार्डन एरिया है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये नहीं टूटेगा क्योंकि इसके आगे जाके टावर बनने हैं, ये पूरा ग्रीनरी एरिया है, ये गोल्फ है, तो बहुत खुला डुला प्रोजेक्ट है ये। वैसे नॉर्मली अगर लैंड की बात करें तो 10 से 15 एकड़ तक की ये लैंड है, अभी सिर्फ 10 एकड़ लॉन्च हुई है, बाद में ये लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये ओपन स्पेस आपको मिलेगा, ये गोल्फ है, ये स्विमिंग पूल टाइप इन्होंने बना रखा है, ये पूरा एरिया ग्रीनरी है, आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा हरियाली किसी भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। MRG 106 के अंदर भी इतनी ग्रीनरी नहीं है। और जो मैं हायर एक्सटेंशन वायर की बात कर रहा था, वो ये हायर एक्सटेंशन वायर है, दो जा रही है, ये इधर से ही इंट्री है लेकिन ये टावरों से बहुत दूर है, तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आने वाला है। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो 1 BHK 2 BHK 3 BHK आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर फिल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, जैसे ही आप फिल करें आप हमें अपनी रिसिप्ट जरूर शेयर करें ताकि आपको हम आगे अपडेट दे सकें, क्योंकि ये शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये प्रोजेक्ट नज़दीक है, इसमें हर कोई एक्सेस कर सकता है, बगल में द्वारका एक्सप्रेसवे है, और आपके अगर साइबर सिटी में भी रहते हैं आप, वर्किंग है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लोकेशन वाइज अगर बात करें तो आपका बजगेड़ा हो गया या दौलताबाद का जो फ्लाईओवर हो गया उससे आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नोएडा या सॉरी नोएडा यानी द्वारका या दिल्ली का एक्सेस रखते हैं तो उसके लिए भी आपका बेटर है, मानेसर या एनएचएट की कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे जैसे रेडी हो जाएगा सभी डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, जो टाइम था द्वारका एक्सप्रेस वे पे वो अब जा चुका है क्योंकि वहाँ पे अब डेवलपमेंट शुरू हो गई है, तो रेट में जो इंक्रीमेंट है वो होना शुरू हो गया है। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट में नो डाउट किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, रेरा अप्रूव्ड है, लाइसेंस कंप्लीट है, हर प्रकार के एस्क्रो अकाउंट ओपन है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, दी गई जानकारी पसंद आती है तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे एक्चुअल लोकेशन आपको डिजिटल तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, धन्यवाद।